अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। तहसील मवाना में भ्रष्टाचार का माहौल है। गंभीर बात यह है कि भाजपा के लोगों से ही तहसीलदार मवाना के पेशकार ने 4,000 रुपए बतौर रिश्वत मांग लिए, 3,000 तहसीलदार के नाम पर और 1,000 अपने। असनापुर के पूर्व विधायक गोपाल काली व भाजपा नेता अशोक चौधरी ने आज मीडिया के समक्ष ये वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें तहसीलदार मवाना के पेशकार को 4,000 रुपए मांगते हुए दिखाया गया है। इन लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन कुछ अफसर सरकार को बदनाम करने की साजिश लगातार कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश किया जाएगा। आइए देखते हैं पहले वह वीडियो जिसमें पेशकार भूपेंद्र बतौर रिश्वत 3,000 तहसीलदार व 1,000 रुपए अपने नाम पर मांग रहा है। 3,000। आज पूर्व विधायक गोपाल काली व भाजपा नेता अशोक चौधरी ने मीडिया से भी बात की, आइए देखते हैं। जिनका नाम भूपेंद्र है, उनके पास हमारी पार्टी के प्रवक्ता और संघ के सह नगर संचालक उमेश चौधरी जी अपने पिताजी के हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए और उस पर रिपोर्ट के लिए वहाँ कार्यालय गए थे, तो पेशकार ने ये कहा कि हम 4,000 रुपये हमें दो, क्योंकि 3,000 तो तहसीलदार मवाना लेते और 1,000 की जो है मैं लेता हूँ, तब ये आपके प्रमाण पत्र पर हम रिपोर्ट लगाएंगे, जिसकी वीडियो हमारे पास है। स्पष्ट रूप से पेशकार इनसे हमारे कार्यकर्ता उसे 4,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जो ये भ्रष्टाचार का मामला है और ये हमारी पार्टी के लोगों की उपेक्षा तहसील प्रशासन कर रहा है, हमने निर्णय लिया है कि हम जो जिले के आला अधिकारी उन्हें भी अवगत कराएंगे इस संदर्भ में, और जो हमारे प्रदेश की ईमानदार सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उसे बदनाम करने का कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे। तो ऐसे अनेकों मामले और भी नगर पालिका से संबंधित भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो हमारा ये अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाकर इनके खिलाफ कड़े फैसले। तो ये कौन है लिपिक जो आप बता रहे हैं कि वो पैसे लेने वाले? ये भूपेंद्र नाम के वो हैं पेशकार, उनकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो तहसीलदार के नाम पे वो तहसीलदार के नाम पे स्पष्ट ये कह रहे हैं कि 4,000 रुपये आपको देने, तब आपके हैसियत प्रमाण पत्र पे हम रिपोर्ट देंगे। 3,000 रुपये तहसीलदार मवाना को जाते हैं प्रत्येक फाइल पे और 1,000 रुपये मेरे हैं। और इसके बाद आश्चर्यजनक बात क्या है कि जब ये आज हमारे दो तीन लोग कार्यकर्ता वहाँ गए, उन्होंने कहा भी ये हमसे भी रिश्वत मांग रहे हैं, हमारी तो सरकार है प्रदेश में, तो इनके साथ तहसीलदार मवाना ने बदतमीजी की कि मेरे कार्यालय से बाहर निकल लिए और वरना मैं आपका इलाज कर दूंगा, मैं तो SDM के लिए मेरा प्रमोशन हो गया। और एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो है इतना कुछ होने के बाद ये जो हमारे नगर प्रवक्ता हैं और ये उमेश जी हैं, इनकी दोनों फाइलें ही निरस्त कर दी उन्होंने, खिन्न हो गए। जो हैसियत प्रमाण पत्र वाली रिपोर्ट देनी थी वो दोनों फाइलें ही आज निरस्त हैं। अंत में ये भी कहा मैं तुम्हारा कोई कार्य नहीं करूंगा, और जो मेरा बाबू कह रहा हूँ सही कह रहा था, मेरे बाबू की समस्या आप सुन लो, जो मेरे बाबू ने कहा है वो मेरे कहने पर ही कहता है। और इन्हें जो है बदतमीजी करके उससे बाहर निकाल दिया गया। उमेश चौधरी मेरा सगा भाई है छोटा, वो ये नवनीत जी हिंदू जागरण मंच से हैं, हिंदू जागरण मंच के जो है जिला मंत्री हैं, ये भी स्वयं निकले नागेश गुप्ता जी, 3-4 लोग थे, तो उनका कहना था मेरा तो प्रमोशन हो चुका। इन्होंने उनसे कहा तहसीलदार साहब 1 महीना हो गया फाइल पड़े, उन्होंने कहा 4 महीने भी हो गए जब तक मेरे बाबू की बात आप नहीं मानोगे, जो मेरे बाबू ने कहा है 6 महीने हो जाए मैं ये नहीं करूँगा और मेरा तो प्रमोशन हो चुका है,
मैं तो SDM बन गया हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ मेरी शिकायत करनी माननीय मुख्यमंत्री से करो, किसी से भी करो, तो ये हमारी सरकार को बदनाम करने की इन अधिकारियों की साजिश है। ये BJP की बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं और इनका प्रमोशन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ कि इनका प्रमोशन तो क्या, इनको तो बर्खास्त कर दिया जाए।